स्कूटी सवार से 5.5 लाख रुपए की लूट हुई। बैंक से पैसे निकालकर युवक निकला था। बाइक सवार बदमाशों ने बैग छीन लिया। बैग छीनकर मौके से फरार हो गए बदमाश। कीलनदेव टावर चौराहे की ये वारदात बताई जा रही है। दिन दहाड़े लूट की ये बड़ी वारदात हुई है। पैसे निकालकर जा रहा था युवक, उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी भोपाल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर स्कूटी सवार से 5.5 लाख रुपए की लूट की गई। बैंक से पैसे निकालकर युवक निकला था। बाइक सवार बदमाश आए, बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। कीलनदेव टावर चौराहे की ये वारदात बताई जा रही है। लगातार क्राइम राजधानी भोपाल में बढ़ रहा है। हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और इसी बीच ये बड़ी लूट की खबर सामने आई है। 5.5 लाख रुपए की लूट की गई है, वो भी दिन दहाड़े ये लूट हुई है। बैग छीनकर मौके से बदमाश फरार हुए हैं। दरअसल बैंक से पैसे निकाल करके युवक गाड़ी से जा रहा था और इसी बीच बदमाश आए और बदमाशों ने बैग छीना और फरार हो गए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर दिन दहाड़े लूट की आप देख रहे हैं, जो आज हुई है। ये कल की तस्वीर जहां पर तमंचे का यहां ये तस्वीर दिखाई दे रही है। तमंचा लहराते हुए युवक नजर आ रहा है, तमंचा लहराते हुए। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, युवक पर हमला कुछ 6-7 बदमाशों ने किया था कल। उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से बहरेमी से युवक को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था और अब इसी मामले में संज्ञान भी लिया गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होती है। तमंचे का नाटक भी यहां पर टशन भी देखा गया, तो वहीं दिन दहाड़े लूट भी। लगातार क्राइम की तस्वीरें सामने आ रही हैं राजधानी भोपाल से और कई सारे सवाल भी प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थितियां कैसे बन रही हैं। इतना बदमाश जो है बेखौफ लगातार कैसे होते जा रहे हैं, आए दिन हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े ये लूट, बड़ी लूट फिर से होना, कई सारे सवाल खड़े करती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक इन बदमाशों की गिरफ्तारी होती है, पर यह बड़ी बात है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रशासन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आएगा क्योंकि लगातार हत्या, डकैती, लूट की वारदातें राजधानी भोपाल में बढ़ रही हैं। एक और ये मामला सामने आया, कल भी हमने देखा कि किस तरह से तमंचा लहराते हुए युवक नजर आया, एक युवक को जोर से पीटा गया 4-5 बदमाशों के द्वारा। तो ये लगातार जैसी तस्वीरें आ रही हैं, प्रशासन अब कटघरे में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, अगर खासकर राजधानी भोपाल की मैं बात करूं, तो 2 साल से अधिक का समय हो गया कमिश्नर सिस्टम लागू हुए, और सिस्टम लागू इसीलिए किया गया था ताकि अपराधियों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा सके। लेकिन जिस तरीके, जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि लगातार राजधानी से इस तरह की तस्वीरें सामने आती, उससे लगता है कि मध्य प्रदेश के राजधानी के जो बदमाश हैं उन पर पुलिस का कोई प्रभाव नहीं है, या ये कहें कि वह किसी तरह का खौफ नहीं खाते हैं। जिस तरीके से आज दिन दहाड़े जो 5.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, एक मार्बल कारोबारी है, उनका बेटा जब बैंक से 5.5 लाख रुपए निकालकर अपने घर की तरफ जा रहा था, उसी वक्त 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं और पहले उसकी स्कूटी को गिराते हैं और उसके बाद आरोपी पर चाकू तान देते हैं और चाकू की नोक पर उसकी डिग्गी में रखे 5,25,000 रुपए लेकर वो मौके से फरार हो जाते हैं। और जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस वहां मौके पर पहुंचती जरूर है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो पीड़ित युवक है उससे जो बात हुई उसका साफ तौर पर यह कहना था कि दोनों जो युवक आए थे वो अपने चेहरे को उन्होंने तौलिए से ढक के रखा था और गाड़ी की नंबर प्लेट को मोड़ा हुआ था, जिससे कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे और गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाया क्योंकि नंबर प्लेट मोड़ी हुई थी, जिससे कि उनकी शनाख्त हो सके। हालांकि मौके पर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे थे उनका कहना है कि आसपास की जो सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है, उसके आधार पर जो है वो तलाश की जाएगी। हालांकि जो पीड़ित युवक है उसके पिता का आरोप है कि उसके जो युवक है जिसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उसके एक साथी का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि ये युवक कभी पैसे निकालने बैंक में नहीं जाता है, पहली बार इसको बैंक भेजा था और ऐसे में इसके किसी साथी, ये जो एक व्यक्ति का नाम भी वो ले रहे हैं कि वो लगातार इससे पैसे की मांग भी कर रहा था, जब पैसा नहीं दिया तो हो सकता है कि उसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया हो।
लेकिन सवाल पुलिस पर उठना लाजमी है कि राजधानी में अगर इस तरह की दिन दहाड़े लूट की घटनाएं होंगी तो दूरस्थ जो इलाके हैं या जो राजधानी के आसपास के जो दूरस्थ इलाके उनमें क्या स्थितियां हो सकती हैं। देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे युवकों के साथ मारपीट करने का मामला हो या फिर खुलेआम तमंचे और तलवार लहराने का मामला हो और या फिर अब जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उससे मध्य प्रदेश की पुलिस खासकर राजधानी की पुलिस जरूर सवालों के घेरे में है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। मुरैना का जिक्र करेंगे। अवैध रेत पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। 1100 ट्रॉली अवैध रेत को डंप की गई थी जिसे नष्ट किया गया। जेसीबी से मिट्टी में मिलाया है अवैध रेत। बता दें नगरा थाना के भूप के पुरा के बेहड़ में अवैध रेत का डंप हो रहा था। वन विभाग सीसीएफ को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। सीसीएफ के निर्देश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोधी विरोध है। कांग्रेस को हमेशा शकुनी और चौसर का चक्रव्यूह क्यों याद आता है? कांग्रेस का चरित्र शकुनी चौसर और चक्रव्यूह वाला है। कांग्रेस को याद भी आया तो कपट का प्रतीक, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। अब जिसकी जैसी भावना वो वही बोलेगा। हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते भी नहीं है। सुनिए उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। असल में वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी चौपक चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह शकुनी चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सिदाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभी युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। एमपी में अब रक्षाबंधन के पर्व पर गैर हिंदू महिलाओं को दिए जाने वाले 250 रुपए को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो इस त्योहार को मनाते हैं उन्हें ही पैसा मिलना चाहिए। उनकी माने तो जो इस त्योहार का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को राशि देने का अर्थ है कि हम गलत दे रहे हैं। जो रक्षाबंधन त्योहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्योहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्योहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्योहार को मानते नहीं, जो ये त्योहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं है,
अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है, सुझाव है कि ये विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने दल बदल करने वाले विधायकों की विधायक निधि रोकने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में उन्होंने मांग की है कि जब दल बदल करने वाले विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं तो विधायक निधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं। उनकी माने तो उपचुनाव जीतने के बाद वो विधायक निधि का उपयोग करें। जिन विधायकों ने सार्वजनिक रूप से अगर जो है स्वीकार कर लिया है दूसरी पार्टी में चली गई है और इस्तीफा नहीं दे रही है तो कम से कम जो है सुचिता और नैतिकता को की रक्षा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इतने तो आदेश करना चाहिए कि उनकी विधायक निधि के उपयोग पर जिस तारीख से उन्होंने पार्टी छोड़ी है उस तारीख से उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो भी नियम है नियमों का पालन विधानसभा अध्यक्ष कराएंगे और विधायक खुद समझते हैं कि क्या नियम होते हैं और क्या नियमों का पालन होता है। अब रामनिवास रावत जी तो वर्तमान में मंत्री हैं तो विधायक निधि का कहाँ इस्तेमाल करना, किस तारीख तक करना, इस्तीफे के पहले तक, जो भी नियम होंगे उसका पालन होगा, सुनिश्चित होगा, उसमें कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खरगोन का जिक्र करेंगे। सुसाइड के पहले का वीडियो सामने आया है। नवविवाहिता की आत्महत्या का यह पूरा मामला है। नवविवाहिता ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया था। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। लगातार प्रताड़ित होने से सुसाइड करना अच्छा है ये भी उसमें कहा गया है। पुलिस ने नवविवाहिता का मोबाइल जब्त कर लिया है। दो दिन पहले नवविवाहिता ने खुदकुशी की थी। मेरे मरने का कारण मेरे सास ससुर पति देवर है जो मुझसे रोज लड़ाई करते हैं। रोज लड़ाई करने कल भी मेरे पति ने मुझे रात को मारा। वो 15-20 दिन पहले भी मारा जो मेरे हाथ के लिए निशान है। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाऊँ। झंझट ही दूर खत्म। ये रामकृष्ण कॉलोनी में जो पूजा पति सिद्धार्थ बोले हैं इनके द्वारा जो फासिलावतार आत्महत्या की गई थी इसमें इनके द्वारा मृत्यु के पूर्व एक वीडियो बनाया गया था। वो वीडियो जो है हमारे पास में भी आया है जिसको हमने जांच में शामिल कर लिया है और उसमें उन्होंने आत्महत्या करने की बात कही है। ये रामकृष्ण कॉलोनी में जो पूजा पति और ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, नवविवाहिता का वीडियो सामने आया है और प्रताड़ना के आरोप उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, फिलहाल पुलिस का क्या कहना है? मैं बताना चाहूंगा कि ये रोहित अलावा है एसडीओपी खरगोन जो खुद नवविवाहिता का मामला है तो वो खुद जांच कर रहे हैं। कोतवाली थाने का मामला है रामकृष्ण कॉलोनी। दो दिन पहले नवविवाहिता पूजा जिसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी उस मामले में ये वीडियो वायरल हुआ है। ये परिजनों के द्वारा ही, जो माए के पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ही वीडियो वायरल किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक दिन पहले जो पूजा है सुसाइड करने के पहले उसने उसकी बहन को ये वीडियो बना के भेजा था और वीडियो में आप देख सकते हैं बस डर डर के उसने घर के अंदर ही वीडियो बनाया था और उसके आरोप है वीडियो में कि प्रताड़ित किया जाता था। और जिस दिन ये दो दिन पहले जब मौत हुई थी पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में था तो पिता और माँ ने भी गंभीर आरोप लगाए थे कि लगातार उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ साथ दहेज मांग की भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि विवेचना कर रहे हैं और हमारी एसडीओपी से बातचीत हुई कि उन्होंने कहा कि ये जो को भी साक्ष्य में वीडियो को शामिल कर लिया गया जो वीडियो हमारे पास भी आया और पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फीस रिफंड और नए स्कूल फीस स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। जिला स्तरीय स्कूल फीस निर्धारण कमेटी ने स्कूल फीस का स्ट्रक्चर तय किया था। 11 निजी स्कूलों पर 80 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी निकाली थी। अभिभावकों को अतिरिक्त वसूली की गई फीस वापस करनी थी।
निजी स्कूलों ने जिला फीस निर्धारण कमेटी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि निजी स्कूलों के पास राज्य फीस निर्धारण कमेटी में अपील करने का प्रावधान उपलब्ध है। छतरपुर में मकान निर्माण के दौरान कुएं में गिरी हथौड़ी उठाने के चक्कर में चार लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल गढ़ी मलहरा थाना इलाके के कुरहारा गांव में एक मकान बन रहा था। काम के दौरान एक हथौड़ी बंद पड़े कुएं में गिरी। इस हथौड़ी को निकालने के लिए पहले एक व्यक्ति कुएं में उतरा, लेकिन वो जहरीली गैस का शिकार हो गया। इसके बाद उसे बचाने के लिए एक एक कर तीन लोग कुएं में उतरे, लेकिन उनका भी जहरीली गैस के चलते दम घुट गया, उनकी भी मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के तीन लोग, पिता पुत्र भतीजा और एक अन्य शामिल है। कुइया में उतरने से उसमें कुइया में जहरीली गैस थी, तो एक लोग उतरे, एक लोग के साथ तीन लोग और उतरे बचाने के लिए, उसी में तीन लोग गैस के कारण खत्म हो गए। काय के लिए कुइया में गए थे? साफ सफाई करने? अब साफ सफाई करना था। अब हम लोग तो बाहर जैसे काम वाम करके आए थे, मालूम नहीं था, जब देखे तो वहाँ तीन चारों लोग डले थे उसी में। तो कई दिनों से ढकी थी, क्या था? नहीं ढकी नहीं थी, लेकिन बाकी उसमें पानी आनी नहीं था। साफ सफाई करने के लिए उतरे तो एक के बाद एक उतरता गया, जैसे एक उतरा बचाने के लिए तीन लोग और गए तो वो भी कुछ। ये नौगांव सब डिवीजन में गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है कुर्राहा, वहाँ का एक ये मामला सामने आया है जिसमें कुएं में जाने से चार लोगों की डेथ हुई है और अस्पताल में तस्दीक की जा रही है। पूरी टीम मेडिकल की भी और पुलिस की भी वहाँ पर है और ओपिनियन आने के बाद ही एक्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मर्ग भी कायम किया जा रहा है और उसकी विधिवत जांच की जाएगी। 15 अगस्त जैसे मौके पर पुलिस वालों की टीम को बैंड बजाते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी पुलिस वालों को बैंड बजाते हुए सुना है, आपने देखा है? अगर नहीं तो आज सुन लीजिए खबर भोपाल से, जहां एमपी के अलग अलग जिलों के पुलिस जवानों को 15 अगस्त के दिन परेड में बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। सीएम का आदेश था कि हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना की जाए, जिसके बाद जिले के एसपी ने अपने अपने पुलिस जवानों को बैंड बजाने के प्रशिक्षण के लिए कहा, लेकिन जवानों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनकी ड्यूटी जनरल कामों के लिए हुई है, न कि बैंड बजाने के लिए। फिर क्या, अब बैंड बजाने से मना करने वाले करीब 25 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जवान एमपी के रायसेन, मंदसौर, खंडवा, हरदा और सीधी जिले के थे। ये पुलिस प्रशासन का मामला है, उनका अंदरूनी मामला है। यदि कोई भी नियम बने हैं या कोई भी अनुशासन का मामला और कोई अनुशासनहीनता कहीं सामने आती, कहीं नियमों का उल्लंघन आता है, कहीं आदेश के पालन के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई इस तरह का निर्णय लिया जाता है तो ये उनका विषय है। निश्चित तौर पर हर विभाग के अंदर अनुशासन जरूरी है, आदेश का पालन जरूरी है। यदि किसी प्रकार के आदेश की अवहेलना हुई या नियम टूट रहे हैं या यदि अनुशासन बिगड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। श्योपुर में ओवरफ्लो हो रहे बंजारा डैम के बीचों बीच एक शराबी युवक पहुंच गया। काफी देर तक पानी के तेज बहाव के बीच वो खड़ा रहा, इसके बाद वो नदी में बह गया और खुद तैरकर बाहर निकल आया। और ये बंजारा डैम में बिल्कुल फंस गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये बंदा है, शायद नशे में है और ये बंजारा डैम में बिल्कुल फंस गया। श्योपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज बहाव के बीच ये युवक नजर आया है और उसके बाद खुद ही ये तैरकर बाहर भी निकल गया। हालांकि राहत की बात रही कि इसकी जान बच गई, पर बताया जा रहा है कि ये शराब के नशे में था और शराब के नशे में ही ये पानी के बीचों बीच गया था। और श्योपुर में झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बेला भीमलत की सड़क पर बने दो रपटे डूब चुके हैं। गांव में मरीजों को लेने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई। मरीजों और प्रसूताओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गाड़ी नहीं निकल पाएगी, बहाव ज्यादा है। गाड़ी नंबर 2376। सीहोर का जिक्र करेंगे, रपटे को पार करते हुए युवक बह गया। रपटे पर पानी का तेज बहाव था। पुलिस और एसडीआरएफ रेस्क्यू भी चला रही है। कई घंटे बीते लेकिन नहीं मिला है शख्स। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। श्यामपुर तहसील के अहमदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो
नर्मदापुरम में तवा डैम के अब 9 गेट खोल दिए गए हैं। 9 गेट से 72,747 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर अब नर्मदा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ेगा। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं भोपाल में भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के गेट खोले गए हैं। गेट खोलने से बता दें पहले महापौर मालती राय ने पूजा अर्चना की और उसके बाद भदभदा डैम के गेट खोले गए। गेट खोलने के बाद लोग भी वहां पर पहुंचे भदभदा डैम को देखने के लिए, और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी वहां पर तैनात रही। देखो ये लो लाइट, चलो देखो एक